बता दूं कि हम लोग का 31 वोटर आई डी कैंप चल रहा है कांग्रेस पार्टी से। हम लोग मिनिमम हाफिज बाबा नगर, चंद्रायन गुप्ता, बारकस और सलाला और बहुत सारे जगह पे हाफिज बाबा नगर, अली मस्जिद के पास में और बहुत सारे प्लेसेस पे हम लोग ऑलरेडी वोटर आई डी कैंप कम्प्लीट करे हुए हैं। आज 31 कैंप है, फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग का इनकम्प्लीटेड है, कोई भी कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास में करेक्शंस है वोटर आई डी कार्ड्स और बिना करेक्शंस के भी बहुत सारे लोग हैं जिसके स्पेलिंग मिस्टेक्स है और उन लोगों के करेक्शंस भी हो रहे हैं और वोटर आई डी कार्ड्स के नए भी बन रहे हैं, पुराने को करेक्शन भी करके दे रहे हैं और न्यू अपडेट करके भी दे रहे हैं। आप लोग जिसके पास में भी वोटर आई डी कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, अभी पुराने वोटर आई डी कार्ड्स हैं, आइए हमारे पास में अबू जैदी की फंक्शन हॉल के पास में। हम लोग ऑलरेडी कैंप्स रखे हुए हैं, आज 31 कैंप कंप्लीट हुआ हम लोग का, फ्री कैंप है और हम लोग फ्री प्रिंट करके लैमिनेशन करके दे रहे हैं आप लोगों को। कोई चार्जेस नहीं है, सिंगल एमपी का चार्जेस नहीं है। शकील दयानी सर के पास में आइए, आप लोग करके दीजिए और वोटर आई डी कार्ड और आधार कार्ड के भी हम लोग करके देंगे आप लोगों को, इसके भी अपडेट्स मिलेंगे आपको। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आसिया तस्लीम है, मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुई रिसेंटली। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स से भी हूँ, मैं सोशल वर्कर हाफिज बाबा नगर से हूँ। मैं वहाँ से भी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों के जिसके मैरिजेस के लिए जो सफिशेंट फंड्स नहीं रहते, स्कूल्स के स्कॉलरशिप के लिए, जो भी गरीब तबका है उनके लिए फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करने के लिए हम लोग कमेटी है, हम लोग उससे फंड लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं राशन अभी रमजान में, इंशाल्लाह और आगे आगे आने के हम लोग और करने का प्लान है। अभी बहुत सारा जिसके पास में बहुत नीडेड है, बहुत सारे लोग जिसके पास में फाइनेंशियली पूर है, बहुत सारे तो अपाहिज हैं, उन लोगों को भी फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं मिल रहा, अभी कहीं से भी फंड भी इशू नहीं होता। हम लोग उस वैसा हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना के हम लोग वहाँ से कलेक्ट करके कमेटी है, हम लोग कमेटी से फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोग थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है हम लोग उतना फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह। आज बतारीख 16 जुलाई 2023 इतवार के दिन कांग्रेस पार्टी चंद्रायन गुट्टा की जानिब से 30वां वोटर आई डी फ्री रजिस्ट्रेशन कैंप मुनाकिद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास यहां पर करीब 200 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत किए और जिसके लिए जो है हम जो है वोटर आई डी कार्ड की सहूलत दिए हैं। देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास में जो है वोटर आई डी कार्ड्स मौजूद नहीं है या बहुत सारे जो है ऐसे वोटर्स है जिनके पास में जो है लिस्ट में सिर्फ नाम है और उन्हें जो है कोई भी उनकी तफसील पता नहीं है। तो इसी मुनासिबत से हमने लोगों की तकलीफ को देखते हुए हमने यहाँ पर आज 30वां वोटर आई डी कैंप मुनाकिद किए गए हैं कांग्रेस पार्टी चंद्रायन गुट्टा की जानिब से। तो हमारे यहाँ जो सर्विस दी जा रही है, खासकर जो है न्यू वोटर आई डी कार्ड रजिस्ट्रेशन और साथ साथ में वोटर आई डी कार्ड कलेक्शन और जिन अहबाब के पास वोटर आई डी कार्ड्स नहीं है उन्हें वोटर आई डी कार्ड्स भी बना करके फ्री दिया जा रहा है हमारे पास। इस तरह की सर्विस हमारी पिछले जो है 2 साल से मुसलसिल ये सर्विस हमारी दी जा रही है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। मैं जो है इंशाल्लाह ताला जो है हम ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम 7 डिवीजन्स के अंदर, खासकर चंद्रायन गुट्टा, बारकस और रियासत नगर, कंचनबाग, उपूगुड़ा, ललिताबाग, जंगामेट व दीगर हमारे डिवीजन्स में, तमाम के तमाम डिवीजन्स में इंशाल्लाह ताला हम इस तरीके के कैंप्स मुनाकिद करेंगे और जो आवाम को जो वोटर आई डी कार्ड के लिए खासकर जो तकलीफ़ हो रही है ये तकलीफ को दूर करने के लिए हम हत्तालमकान हमारी पूरी कोशिश करेंगे। और हो रहा ये रहा है कि बहुत सारे लोग जो है हमसे रुजू हो रहे हैं, होकर के जो है मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे भी इलाके में इस तरीके के कैंप मुनाकिद कीजिए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो है हम हर इलाके में जो है इस तरीके के हमारे कैंप्स रखेंगे और हमारी ये जो सर्विस है अवाम उन्नास के लिए मुकम्मल फ्री सर्विस है। अब तक के हमने जो है लगभग 7,000 लोगों को जो है वोटर आई डी कार्ड्स बना करके मुफ्त तकसीम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ में जो है चंद्रायन गुट्टा कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर शेख अफजल, फहीम अल मैमन, कंचनबाग डिवीजन प्रेसिडेंट उमर रफीफ, हामिद सारी, सुल्तान खान साहब और दीगर अहबाब, अब्दुल हकीम और दीगर अहबाब यहाँ पर मौजूद है। मैं तमाम का तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर उन अहबाब का कि आज के इस मौके पर जो है कांग्रेस पार्टी को जो लोग खिदमत का मौका दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है आवाम के बीच में रहेगी और आवाम को जो है जो भी खासकर सहूलतें होंगी सहूलतें देंगी और आने वाले इलेक्शन में अगर आवाम उन्नास जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएगी और कांग्रेस पार्टी को इख्तदार पर लाएगी
तो रियासत के अंदर जो सहूलतें दी जा रही है, खासकर गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा और बुजुर्ग हजरात को जो है जो 2000 रुपए पेंशन मिल रही है 4000 रुपए पेंशन दी जाएगी और 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी और दीगर सहूलतें जो भी होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन जो है सहूलतें दी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो आवाम के लिए और गरीब के साथ रहती है हमेशा, तो मैं आवाम उन्नास से भी गुजारिश करता हूँ कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जो है इख्तदार पर लाए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज 16 तारीख के दिन हम लोग संडे के दिन जैसे कि आपके यहाँ पर वोटर आईडी का इंतजाम रखे हैं, जो हमारी अवामनात जो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉपरेट कर रही है कांग्रेस पार्टी का। पिछले कई महीनों से हम लोग इसी तरीके के फ्री अब कैंप लगा रहे हैं। गुज़िश्ता साल से हमारे कहने जो भी हुकूमतें काम करी है मगर किसी तरीके का ऐसा काम नहीं करी है। आप लोग देख रहे हैं आपके बीच में रहते पर ग्राउंड लेवल काम कर रहे हैं हम लोग। आने वाले इलेक्शन में हमारी अपील यही है कि आप लोग हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट देकर हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए और इंशाल्लाह जो भी हुकूमत से हमारे को मिलेंगी जो भी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह वो लोग हम लोग ले कर आकर आप लोगों के बीच में रखेंगे। जैसा कि गैस सिलेंडर का मसला है, बिजली का मसला है और स्कूल कॉलेजेस का मसला है और जितने भी दीगर बस्तियों के मसले हैं, अपोजिशन रहेंगी तो मेरे भाई ये चीज़ को उठाएंगी, वरना अपोजिशन नहीं रहेंगी तो आपकी आवाम कोई बात सुनने वाला नहीं रहेगा। तो तमाम आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि अपोजिशन के हाथ मजबूत कीजिए, इंशाल्लाह अपोजिशन रहेंगी तो आपकी बात उन तक पहुँचेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। No, no.